क्या दोस्तों आप बिजनेस करना चाहते हैं और आपके पास पूंजी नहीं है, तो आज हम आपको पास एक ऐसा बिजनेस लाए हैं जो कम पूंजी में अपना ब्रांड बनाकर बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालकर आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। इस बिजनेस को लोग कई तरीके से करते हैं दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसा मॉडर्न आधुनिक तरीका शेयर करेंगे जो इस ढंग से कोई नहीं करता है। इस ढंग से आप करेंगे तो आपका बिजनेस सुपर जाएगा और आपका अपना ब्रांड भी बनेगा। तो इस बिजनेस में करने के लिए आपको कहां से माल लेना पड़ेगा, कितना कॉस्ट आएगा, कितना प्रॉफिट आएगा, कितने आपको कौन कौन से लाइसेंस लेने पड़ेंगे, अपना ब्रांड आप कैसे बनाएं, सारी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं पीनट यानी मूंगफली का बिजनेस। ये सब लोग हैं व्रत में भी खाते हैं, वैसे भी खाते हैं। इसका दोस्तों आप जानते हैं नमकीन वगैरह सब कुछ बनता है, तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो हमने एक मार्केट का सर्वे किया और उसके बाद अपने ये जानकारी दूसरे को बताया और वो लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस में उनको अच्छी सफलता मिल रही है। तो सारी इन्फॉर्मेशन आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों इसके लिए आप अपने थोड़ा सा मार्केट में जाइए, मार्केट में निकलिए, वहाँ पता करिए मूँगफली फुटकर में क्या रेट बिक रहा है, खुले में और पैकेट में, आप दोनों का नॉलेज लीजिए। अब आपके पास मार्केट का आपने सर्वे कर लिया, आपके पास नॉलेज हो गया, अब अगले दिन आप एक कदम आगे बढ़िए, आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जाइए जहाँ पे होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर यानी बड़े बड़े किराना व्यवसायी हैं, उनके यहाँ थोक में काम होता है, वहाँ उनसे कहिए मैं एक दुकानदार हूँ, मैं अब 20 किलो या 10 किलो मूँगफली रेट लेना चाहता हूँ, तो क्या रेट है। तो आप इसी तरह से 2-3 दुकानदारों पे रेट लेंगे, अब आपको डिफरेंट पता चल गया होगा कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंट है। अब डिफरेंट के लिए आप तो रेट आप ले लिए, लेकिन कल का रेट हम आपसे शेयर कर देते हैं जिससे आपको डिफरेंट का कुछ पता चल जाएगा एक फार्मूले के तौर पर। जैसे कल आप 18/9/2022 का जो रेट था मूँगफली का थोक में दोस्तों, वो था 90 रुपये से लेकर 110 रुपये में। तो मूँगफली दो कैटेगरी में होती है, एक सफ़ेद छोटी छोटी होती है जो ज़्यादा लाइक करते हैं, बाकी रेड छोटी और रेड बड़ी होती है। तो जो ज़्यादा डिमांड है दोस्तों वाइट में होती है छोटी उसकी, और रेड में जो होती है वो दोस्तों छोटे का डाल दें, यही दोनों ज़्यादा डिमांड है। तो दोस्तों जैसे आपने देखा, अब आपने पहले मार्केट का सर्वे किया था फुटकर में क्या बन रहा है, तो दोनों का डिफरेंट तो हम बता दें। कल का डिफरेंट, कल का जो रेट फुटकर में है दोस्तों 125 रुपये से लेकर के 140 रुपये का, अलग अलग दुकानों पे अलग अलग रेट है अलग अलग मार्केट में। तो दोस्तों ये आपने देखा, यानी 20 का डिफरेंट क्या आया, 20 से 25 रुपये, यानी कहीं कहीं 40 रुपये का पूरा डिफरेंट आया। तो दोस्तों आप अब चले जाइए अपने डिस्ट्रिक्ट में, या आप अपने महानगर से फटे हुए हैं, कुछ महानगर जो बड़े बड़े हैं आप वहाँ से मिलान करते हैं, तो आप अपने महानगर में डिस्ट्रिक्ट में जाइए, वहाँ पे देखिए। तो वहाँ पे क्या होते हैं, बड़े बड़े कमीशन एजेंट होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ इनको एजेंट बनाए रहती है, ये लोग कमीशन पर काम करते हैं, वहाँ से लेंगे तो सस्ता पड़ेगा। तो दोस्तों 50 किलो के बोरे में आता है, 60 किलो के बोरे में, किसी 70 किलो का, तो आपके पास बजट है तो आप एक बोरा वहाँ उठाएंगे और उसको ला करके घर साफ सफाई करेंगे जिससे उसमें कोई कमी ना रहा है, क्योंकि आपको एक ब्रांड बिल्ड करना है, आपको क्वालिटी प्रोडक्ट देना है। अब आप अपने वही डिस्ट्रिक्ट से आपको कुछ इस तरह से पाउच लेने हैं, सिल्वर कलर स्टैंड जिप लॉक पाउच, ये दोस्तों इसमें 250 ग्राम आता है, आप 100 ग्राम का भी ले सकते हैं, आधा किलो, एक किलो, जितना आपके पास बजट है, जैसे पैकिंग करते हैं। या जो आपने मार्केट का सर्वे किया, मार्केट के सर्वे करने के बाद आपको एक नॉलेज हुआ कि साइज में सबसे ज़्यादा बिक रही है, अब वहीं से आप अपने डिस्ट्रिक्ट से इस तरह से एक दोस्तों क्या लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, वेट मशीन, ये दोस्तों 150 से 200 रुपये में आती है, या और अच्छी क्वालिटी लेंगे 300, 400, 500 में, जैसे आपके पास बजट है उस ढंग से एक वेट मशीन लेंगे वेट करने के लिए। और आपको कोई पैकेजिंग मटेरियल नहीं लेना है, इसकी कीमत दोस्तों 250 रुपये से लेकर के 270-280 रुपये, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग दुकानों पर डिफरेंट रेट हो सकते हैं, तो आप यह खरीद लीजिए। अब आपको वहीं से किसी प्रिंटर के पास जाकर के दोस्तों इस ढंग से आपको क्या करना है, स्टिकर छपवाना है, स्टिकर पे जो आप अपना नाम देना चाहते हो नाम दीजिए, स्टिकर ब्लैक एंड वाइट हो या आप कलर जैसे आपके पास बजट हो उस हिसाब से आप छपवा सकते हैं। उस पर क्या लिखना है आपको, हैंडमेड फ्रेश, 100% नेचुरल,
तो दोस्तों हैंडमेड और होममेड लिखने से आप अभी बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं, इसमें कोई मशीनरी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, आपको कोई लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं, अभी आप बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं। तो ये लिखेंगे, उस पर MRP डालेंगे, एक्सपायरी डालेंगे, उसका वेट क्या है, पैकेट वाइज आप अपना एड्रेस डाल दीजिए, जो भी डाला। इस ढंग से आप यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे आप स्टिकर लगा देंगे। तो ऐसा क्या होता है, तो लोग जब सामान खरीदते तो आज बहुत जागरूक हो गए, वो देखना चाहते हैं कब का बना है, इसकी एक्सपायरी क्या है, इसका रेट क्या है। अगर रेट पैकेट पे लिखा गया है, भले दुकानदार चाहे जितने में बेच दे, लेकिन आदमी को होता है कि भैया इसमें ज़्यादा नहीं लूट रहे हैं। लेकिन अगर वैसे ही पैक कर दें, फिर कुछ ना लिखा हो, तो कहते भैया ये कब का बना है, एक्सपायरी क्या है, वो कम अवॉइड कर दे। तो इस ढंग से आप दोस्तों 100 ग्राम 200 ग्राम में वह जो भी आप है, इसी ढंग से पैक करके आप अपने बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं। अब इसको आपने पैक कर लिया, अब पैक करने के बाद इसको छोटे छोटे दुकानदारों को दीजिए, उनको ये बताइए, आप खुले में बेचते हैं आपका समय लगता है, आप जो खुले में रेट बेचते हैं उससे 2-4 रुपये आपका महंगा पड़ रहा है किलो पे, लेकिन ये पैकेट में है और लोग पैकेट में लाइक करते हैं। इसी तरह से दुकानदार को सप्लाई कीजिए, आप ज़्यादा मार्जिन मत लीजिए, 10-15 रुपये किलो के पीछे मार्जिन लेके दुकानदारों को दीजिए। आप इसको घर घर जा कर के बेच सकते हैं, उसमें आपको जो दुकानदार को देने वो भी प्रॉफिट होगा और जो फुटकर का रेट होता वो भी, तो दोनों के बीच का आप ऐसे कर सकते हैं। तो इस ढंग से दोस्तों इस बिजनेस को आप पैकेट करके छोटे छोटे पैकेटों में दुकानदारों को देके बिजनेस की नॉलेज ले सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादा बात ये नहीं है कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये माने यहाँ पे ये रखता है कि आपको एक सेल्स की कला आ रही है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अपने बिजनेस को डेवलप करने में। बेसिक नॉलेज हमारे पास बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों इस ढंग से आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल आ जाएगी और बिजनेस करने में क्या क्या प्रॉब्लम आती है ये सारा नॉलेज आपको हो जाएगा। जब ये सब सारा नॉलेज हो जाए, आपको लगता है कि आपका बिजनेस अब बड़े लेवल पे ले जाना है, तो दोस्तों आपको एक ब्रांड नेम जो रखे हैं इसका आपको ट्रेडमार्क करवाना पड़ेगा। ट्रेडमार्क दोस्तों इसलिए करवाना पड़ेगा जिससे कोई इसकी डुप्लीकेटिंग ना कर पाए। ये ट्रेडमार्क दोस्तों 10 साल के लिए होता है, 10 साल के बाद फिर रिन्यूअल करवाना पड़ता है। अब आपने अपने प्रोडक्ट को ट्रेडमार्क करवा लिया, अब आपको एक ऑफिस का रूट देना पड़ेगा जहाँ से आप अपने प्रोडक्ट को पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में फैलाना चाहते हैं। ये ऑफिस आप किसी सिटी का चुनाव करके वहाँ कर सकते हैं या आप अपने घर से भी कर सकते हैं। कमरा छोटा या बड़ा कोई हो चल सकता है। अब आपने कमरा ले लिया, अब आपको कमरे में एक ऑफिस का रूप देना पड़ेगा। ऑफिस का लुक आप अपने ढंग से कर सकते हैं, उसका डिस्प्ले वगैरह। अब आपको ऑफिस का लुक रेडी हो गया है, आपका ऑफिस मेंटेन हो गए हैं। अब इसमें आपको कुछ डिजिटल टूल्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, आपको एक लैपटॉप लेना पड़ेगा या डेस्कटॉप दोस्तों, उसमें बिलिंग सॉफ्टवेयर अपडेट करवाना पड़ेगा जिससे GST बिल निकलता है। GST बिल निकलने के लिए आपको एक प्रिंटर की ज़रूरत होगी। अब आपके ऑफिस रेडी हो गए सारे टूल्स के साथ। अब इसी ऑफिस में आपको कुछ कागजात लेने पड़ेंगे, जैसे दोस्तों GST नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट है। इफेक्टेक्स ऑफिस में जो एडवोकेट होते हैं उनसे संपर्क करके आप इसको ले सकते हैं या आप ऑनलाइन ले सकते हैं, लेकिन आप फिल्टेक्स में जो एडवोकेट होते हैं उनके द्वारा लेंगे तो आपको रिटर्न भरने में आसानी होगी, क्योंकि अभी आपको नॉलेज नहीं है। तो जो अपना कुछ चार्ज आपसे प्रोवाइड कर सकते हैं। ये दोस्तों फूड प्रोडक्ट का बिजनेस है तो आपको FSSAI रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अब आपके पास लगता है कि आपको बजट कम है, आप सरकार की स्टार्टअप नीतियों का प्रॉफिट लेना चाहते हैं, तो आपको MSME यानी उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अगर आप उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो सरकार के बिजनेस स्टार्टअप नीति के अंतर्गत आप बैंकों से आसानी से लोन ले सकते हैं। इसके लिए आप नियरमी बैंक शाखा में संपर्क करें या जिला उद्योग कार्यालय संपर्क करके संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। अब आपको लगता है कि आपका कंपनी और बड़े लेवल पे जाना है, आपको अपने कंपनी के MD या CEO बनना है, तो आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन यानी बिजनेस रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कंपनी रजिस्ट्रेशन दोस्तों 3 कैटेगरी में होते हैं, प्राइवेट लिमिटेड, OPC, LLP, तीनों में से किसी एक कैटेगरी में आप करवा सकते हैं। अब आपके सारे कागजात रेडी हो गए, अब आप अपने बिजनेस को पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैला सकते हैं। अब आपको लगता है कि आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो गया है, तो आपको माल भी बड़ी जगह से खरीदना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके लिए आप एशिया की सबसे बड़ी यानी कि ड्राई फ्रूट एंड मसाला मार्केट नई दिल्ली खादी बावली है, आप वहां जा करके दोस्तों
वहाँ से हर एक रेट ले सकते हैं, वहाँ पे विजिट करिए। बड़े बड़े वहाँ डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो पूरे ऑल इंडिया में जो है अपना डिस्ट्रीब्यूटरशिप करते हैं, पूरे ऑल इंडिया में माल भेजते हैं। एक बार आप वहाँ माल ले लेंगे, उनसे कॉन्टैक्ट नंबर ले लेंगे, फिर आप घर से पैसा भेजिए, माल आता जाता रहेगा और पूरा खुल के आप अपना ब्रांड बना के बिजनेस करिए। इस ढंग से दोस्तों छोटे से बड़े लेवल पर आप ले जा सकते हैं। दुकानदारों को दीजिए मार्क, ब्रांड बना के दीजिए। अब आपको लगता है आपका माल जो है बिकना चाहिए, सारे कुछ रेडी हो गए, तो माल बेचने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है दोस्तों, डिजिटल मार्केट और जो है ऑफलाइन। ऑफलाइन बेचने के लिए आपको एक सेल्फ टीम तैयार करना पड़ेगा, जिसमें सेल्फ मैनेजर, एरिया मैनेजर, ZSM और इसमें आपको एजेंसी, डिस्ट्रीब्यूटरशिप और C&F के थ्रू इसको माल ऑफलाइन आप बेच सकते हैं। ऑनलाइन बेचने के लिए बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनियाँ जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, शॉपी बहुत सारी हैं। तो इस सब कंपनियों पे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है कैसे अपने प्रोडक्ट बेचें, इसके लिए यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी है, वहाँ से देख के दोस्तों आप वहाँ बेच सकते हैं। अब दोस्तों आपके पास अगर बजट ज़्यादा है तो आप अपना ऐप लॉन्च करके बेच सकते हैं। तो अब आपका दोस्तों आपने अपने ब्रांड को ऑफलाइन बेचना शुरू कर दिया। अब आपको अपने ब्रांड को ब्रांडिंग करना है, इसके लिए बहुत सारे टूल्स हैं जैसे कैलेंडर, पंपलेट, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, गूगल ऐप, जे होल्डिंग जो भी हो, जितने ही माध्यम से आप अपने प्रोडक्ट का नाम, अपने प्रोडक्ट का ब्रांड लोगों तक पहुंचाएंगे, उतना ही आपका प्रोडक्ट दोस्तों ब्रांडिंग होगा, उतने आपका प्रोडक्ट बिकेगा। अब आपके पास सारे नॉलेज हो गए, अब आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो इस वीडियो में अगर आपको दोस्तों कहीं पे भी कोई न समझ में आए, 2 से 3 बार समझ लेंगे, आपको सारी जानकारी हो जाएगी। फिर भी लगता है कि हमको और कोई एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में चाहिए, आप पूछिए, मैं कोई भी छोटी से छोटी जानकारी आप तक तुरंत मैं पहुंचा दूंगा। और दोस्तों चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हम इसी तरह से वीडियो बनाते रहेंगे। हफ्ते में 2 से 3 वीडियो मेरे मसाले पे होता है, मेडिसिन पे होता है, जिसका हमको मार्केट का गहन अध्ययन है, उसी के बारे में वीडियो बना के अपलोड करते रहते हैं, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। अपने यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए, वो भी बिजनेस करें, आगे बढ़ें, आप लोगों का, कई लोगों का साथ रहेगा तो आपके अंदर भी एक उत्साह रहेगा। दोस्तों आपने जो 8 से 10 मिनट का अपना अमूल्य समय हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए थैंक यू, नमस्कार।